फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज मैं आपको रानी मुखर्जी इंस्पायर्ड आईज मेकअप दिखाऊंगी। तो मेरी इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाला है कि मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये आप पिक देखिए, रानी मुखर्जी इंस्पायर्ड आईज मेकअप को जिस तरीके से दिखने वाला है मेकअप का। सब आज की वीडियो का सबसे बेस्ट पॉइंट होने वाला है कि ये मेकअप न्यूड होगा। मोस्टली लड़कियाँ चाहती हैं कि उनको न्यूड मेकअप वाली वीडियो मैं अपलोड करूं। एक्चुअली न्यूड मेकअप क्लासी होता है, ट्रेंडी होता है और उसका एक अपना स्टाइल होता है, अपना एक लुक होता है। तो उसी लुक को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बेहद ब्यूटीफुल वाला मेकअप करना शुरू करती हूं। अब मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूं, मैं शुरू करती हूं अपनी ये वीडियो। और ये दोनों आप पिक्स को देख लीजिए रानी मुखर्जी के, और सेम ऐसा ही मेकअप मैं कैरी करूँगी। स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आई बेस लूँगी जो कि मेरा शेड नंबर FS38 है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो आप सबसे पहले आई बेस को अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से अप्लाई करें और अपने जितने भी डार्क सर्कल या ब्लेमिशेज स्किन, रेड स्किन जो भी है उसे आप हाइड कर दीजिए और एक प्रॉपर वे में आप उसको फैला लीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने फुल एरिया को कवर किया है, जस्ट लाइक आईब्रो के ऊपर, नीचे अपना फोरहेड, और एक अच्छे से क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में मैंने इसको फैलाया है और अपर लोअर दोनों ही लैश लाइन पर इसका अच्छे से यूज़ किया है। अब आप दोनों ही आईज़ में फ़र्क देख लीजिए, आई बेस लगाने के बाद एक ग्लो सा आ जाता है। उसके बाद मैं सेट करूंगी अपने कंसीलर को, सॉरी आई बेस को सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ करूंगी, कॉम्पैक्ट पाउडर का। तो उसका यूज़ करके मैं थोड़ा इसे लॉन्ग लास्टिंग बना दूंगी और एक्स्ट्रा जितना भी पाउडर है मैं उसे फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और अब मैंने पफ की हेल्प से और थोड़ा और अच्छी क्वांटिटी में कॉम्पैक्ट लगा लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो सब कुछ मैंने हाइड कर दिया है। एक्चुअली मेरी आईज़ पर एक स्पॉट हो चुका है जो हाल ही में मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी। अब मैं अपना ग्लैम अप की आई शेडो स्टिक लगाऊंगी, जो कि आपको मैंने इसका लेवल भी दिखाया था। एक्चुअली लास्ट वीडियो के चलते ये कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया इस स्टिक का, और इसका जो ऊपर का हिस्सा था वो मुझसे टूट गया। तो मैंने ग्लैम अप की अपनी आई शेडो स्टिक लगा ली है। अब मैं इसे अपने पेंसिल ब्रश नहीं बोल सकती, एक्चुअली आई शेडो ब्रश ही है ये, मैं इसे अच्छे से फैलाऊँगी जैसा कि आप देख रहे हो। बहुत ज़्यादा और प्यारा लुक आ जाता है इस तरीके से लगाने से। अब मैं अपना शेड नंबर 48 जो कि ब्लैक कलर है यूज़ करूँगी। ये मेरी हुडा की आई शेडो पैलेट नहीं है, मॉर्फी की है मेरी ये आई शेडो पैलेट, और मैंने इसका शेड नंबर 48 लिया है जो कि एक ब्लैक कलर है। मैंने अपने ग्लैम अप की जो आई शेडो स्टिक है इसको सेट करने के लिए ब्लैक कलर का आई शेडो लगाया है। आपके पास कोई और पैलेट हो आप उसका यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप वही प्रोडक्ट यूज़ करें। अब मैंने अपना शेड नंबर 22 यूज़ किया है जो कि हमारा एक आप इसको बेज कलर बोल सकते हो, लाइट ब्राउन बोल सकते हो, ऑरेंज बोल सकते हो, इट वर्क्स लाइक अ करेक्टर एंड इट मेक्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्रीज लाइन एंड इट क्रिएट अ वेरी 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 ब्यूटिफुल क्रीज लाइन, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। बहुत अच्छे से मैंने इसे लगा लिया है, एक्सेस होने पर तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। चाहो तो आप लोग इस पर बेस का यूज़ करके जितनी भी एक्स्ट्रा हो गई है आपकी आई शेडो उसको रिमूव कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आता है अगर एक्स्ट्रा को हटा दो। मैं आपस में मर्ज कर रही हूँ और जो बेज कलर का आई शेडो मैंने यूज़ किया था वो मैं अपने ग्लैम अप की स्टिक पर भी यूज़ कर रही हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए। अब मैंने इन दोनों कलर को मिलाकर एक शानदार सा कलर बनाया है जैसा कि आप देख रहे हो।
मुझे न्यूड मेकअप करना है, मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप यूज़ नहीं करना और उसी के थ्रू मैं मेकअप कर रही हूँ। ये रानी मुखर्जी इंस्पायर्ड आइज मेकअप है जो कि आप पिक में देख चुके हो। अब मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर और लिया है और इसको आगे की ओर लगा रही हूँ। अब मैं अपने हुडा पैलेट से भी अपना थोड़ा ग्लिटर वाला आई शेडो लेना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे आगे की ओर सिर्फ ग्लिटरी शाइन देनी है। अभी तो मैं अपना न्यूड पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, मैट पैलेट, नॉट न्यूड पैलेट। मैंने लोअर लैश लाइन में ब्लैक कलर का यूज़ किया है, मुझे काजल नहीं लगाना, मुझे थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा मैट लुक देना है तो मुझे काजल नहीं लगाना, बिकॉज थोड़ा आप देख रहे हो मौसम थोड़ा चिपचिपा है, वेडिंग सीज़न अगर चल रहा है, इन दिनों शादी में जाना मतलब आफत को गले लगाना, बहुत ज़्यादा चिपचिपा मेकअप अच्छा नहीं लगता इन दिनों। अब मैंने अपने हुडा की पैलेट से ये शिमरी गोल्ड कलर लिया है और मैंने इसको अपने आगे की ओर लगाया है और ये सिर्फ यहीं तक ही रहेगा, क्योंकि मुझे एक ब्यूटीफुल सा न्यूड लुक क्रिएट करना है और मैंने इसे लोअर लैश लाइन में भी लगा लिया है। मैं अब अपने इनर कॉर्नर पर मैंने अपना वाइट कलर यूज़ किया है और मैंने अपना आईब्रो के लिए भी मैंने वाइट कलर ही यूज़ किया है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर छोड़ता है लगाने के बाद। मैं फिलअप करूँगी अब अपनी आईब्रोज़ को और एक ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही बारीकी से आपको ये काम करना है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको करना है। प्रोसेस हमेशा जैसा आप एक आंख पर कर रहे हो वैसा ही दूसरी पर रहना चाहिए। और आप देखिए एक न्यूड सा है, जो भी एक्स्ट्रा मेरा आई शेडो गिर गया है मैंने फैन ब्रश की हेल्प से रिमूव कर दिया है और इसमें आप फ़र्क देख सकते हो। मैंने अपनी दूसरी आईज़ पर भी सेम यही लुक क्रिएट किया है स्मोकी एंड न्यूड मेकअप। अब मैं यूज़ करूँगी मस्का, दोनों ही प्रॉपर मेकअप हो चुका है। ब्लैक नहीं दिखाना, एक्स्ट्रा कोई नहीं दिखाना, बिकॉज आई लैशेज पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको मैंने फॉल्स लैशेज का यूज़ नहीं किया, क्योंकि रानी मुखर्जी मोस्टली अपने आईज़ पर फॉल्स आई लैशेज का यूज़ नहीं करती, बहुत कम करती हैं, मोस्टली होता है लेकिन बहुत ही कम करती हैं वो। और प्रॉपर वे में मैंने मस्कारा लगा लिया है। याद रहे मस्कारा आपको 2 and 3 लेयर में लगाना है। एक्चुअली मैंने एक लेयर ऑलरेडी लगा रखी है, अब मैंने 2 लेयर आपके सामने ही लगाई हैं, तो इस तरीके से आपको 2 और 3 लेयर में लगाना है, जिससे आपकी आईज लैशेस ब्यूटीफुल दिखें, घनी दिखें और हैवी हैवी सा लुक आपको दिखें। फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा न्यूड मेकअप, जो कि हम ब्लैक गोल्डन स्मोकी आईज ब्लैक की ब्राउनी ही मेकअप करते हैं, रानी मुखर्जी इंस्पायर्ड आईज मेकअप।
मैंने इसमें आपको फ्रेंड्स कि मैंने अपनी इस वीडियो में आई लैशेज को स्किप किया हुआ है, विदाउट आई लैशेज ये वीडियो मैंने बनाई है। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी मत भूलिएगा। तो ये रही मेरी वीडियो, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेक श्योर वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अलविदा लेती हूँ मैं इस वीडियो के साथ, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।